नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है अब तक की खास खबरें। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर ठेकेदार निशांत गेरा ने खुद के साथ साथ पूर्व पार्षद पवन गौड़ पर पेट्रोल छिड़क कर जलाने का प्रयास किया। यह घटना वार्ड नंबर 31 के पार्षद कमल नारंग के निवास के बाहर आज सोमवार सुबह उस वक्त हुई जब सांसद निहाल चंद मेघवाल श्री नारंग के यहाँ पहुँचे थे। मामूली कहा सुनी के बाद यह तकरार बढ़ गई और निशांत गेरा ने खुद के साथ साथ पवन गौड़ पर भी पेट्रोल छिड़क दिया, जिससे वहाँ हड़कंप की स्थिति हो गई। घटना को लेकर पुलिस को परिवाद दिया गया है और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। समस्त घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। घटना को लेकर कुछ पार्षदों ने नगर परिषद की होने वाली बैठक को लेकर सोची समझी साजिश का आरोप लगा। इंदिरा कॉलोनी की गली नंबर 6 में जगदम्बा मंदिर के ऊपर निःशुल्क कंप्यूटर व सिलाई सेंटर का विधिवत रूप से उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। उद्घाटन टेक चंद व ओम प्रकाश जसुजा ने रिबन काट कर किया। स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी एवं स्वर्गीय ईश्वर दास की याद में उनके पुत्र कृष्ण लाल जसुजा जगदम्बा मंदिर के प्रधान द्वारा यह निःशुल्क कंप्यूटर व सिलाई प्रशिक्षण सेंटर को शुरू किया गया है। इस सेंटर में प्रशिक्षण का किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है तथा बच्चों के लिए इस सेंटर में कंप्यूटर के कोर्स व युवतियों के लिए सिलाई का प्रशिक्षण पंचायत चुनाव में बांटने के लिए तैयार की जा रही हटकंड शराब को पुलिस ने नष्ट किया है। यह शराब हिंदुमल कोट थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि में तैयार की जा रही थी। हिंदुमल कोट थाना प्रभारी मजीद खान ने बताया कि गांव 500 LNP तथा खाटा गांव के पास नहर पर छापेमारी की गई। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक बंद और चालू भट्टियां मिली। भट्टियां और लहन को नष्ट कर दिया गया। शराब तैयार करने वाले लोगों की भी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत चुनावों के लिए पिछले माह लागू की गई आदर्श आचार संहिता गुरुवार को समाप्त हो जाएगी। इस दिन आखिरी चरण में उप सरपंच पद के लिए चुनाव होंगे। आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत सरकार नया बजट भी पेश कर पाएगी। वही पंचायत चुनाव का दूसरा चरण अप्रैल माह में होने की संभावना है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर थाना पुलिस ने एक चोर गिरोह को पकड़ा है। इस गिरोह में ATM तोड़ने सहित आधा दर्जन वारदातों का खुलासा हुआ है। जांच अधिकारी ASI सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गत दिनों थाना में एक व्यापारी संदीप जैन का नोटों से भरा बैग चोरी हो गया था। इस बैग में करीब 1,35,000 रुपए नकद थे। इसी रात को एक ATM तोड़ने की भी वारदात हो गई थी। इनसे पूछताछ के बाद मांगीलाल उर्फ मांगिया नायक, गोविंद उर्फ बबलू बार्गव और मोहम्मद अजीज उर्फ अजीज को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इनसे वारदातें खुल गयी। ASI ने बताया कि यह तीनों नोहर कस्बे के ही निवासी हैं। अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के सरकारी स्कूल में 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला उजागर हुआ है। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि निकटवर्ती एक गांव के सरकारी स्कूल के अध्यापक अशोक यादव पर छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। एक छात्रा के पिता ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उसका आरोप है कि उसकी पुत्री सहित कई लड़कियां उसके गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। इस स्कूल के अध्यापक अशोक यादव ने उसके साथ अश्लील हरकतें की हैं। इसकी शिकायत पर थानाचार्य को की गई तो उसने छात्राओं को धमकाने का प्रयास किया। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बार बार मौसम में परिवर्तन हो रहा है। शनिवार को जहां बूंदाबांदी का दौर चला था, रविवार को तेज धूप निकलने से राहत मिली थी और आज सोमवार को फिर से हल्की बूंदाबांदी से ठंड का एहसास हो रहा है। अरब सागर से उठने वाली लहरों के कारण बार बार मौसम पलट रहा है। हर रोज मौसम के नए मिजाज से सामना होता है। हालांकि मौसम विभाग बता चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर यह होगा कि मौसम में बार बार परिवर्तन होता रहेगा। आज प्रातः पुणे ठंडी हवाएं चली, बूंदाबांदी भी हुई, बरसात का हल्का दौर चला। यह दौर रुक रुक कर चलता रहा। मौसम विभाग ने 30 जनवरी तक बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। संग्रीय कस्बे में एक नकली शराब तैयार करने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है। थाना प्रभारी इंदर सिंह वर्मा ने बताया कि कस्बे के एक वार्ड में नकली शराब फैक्ट्री चलने की सूचना मिली थी। वहां छापा मारा गया तो मौके पर नकली शराब तैयार करता हुआ सुभाष अरोड़ा नामक व्यक्ति मिला। उसे हिरासत में लेकर फैक्ट्री की तलाशी ली तो वहां से 800 शराब के भरे हुए पव्वे, 1570 खाली पव्वे, पव्वों को सील करने वाली मशीन, प्लास्टिक की बोतलें, हजारों की संख्या में स्टिकर, 97 कार्टून मिले। इसके अलावा बड़ी संख्या में उपकरण व सामान बरामद किए गए हैं। विजयनगर नगर पालिका में आज प्रातः नगर पार्षदों ने उपाध्यक्ष के नेतृत्व में अधिशासी अधिकारियों का घेराव कर लिया।
उनके दफ्तर में ही धरना आरंभ कर दिया। वे ईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। नगरपालिका विजयनगर में पिछले दिनों अनेक प्रकार की खरीद की गई थी। पार्षदों का आरोप है कि इस खरीद में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। जो सामान बाजार में 5 से 6 लाख रुपए तक उपलब्ध है, उस सामान को 15 लाख रुपए में खरीदा गया। पार्षद पिछले कई दिनों से इस मामले की जांच करने की मांग कर रहे थे। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.